टेंथ ट्वेल्थ फेल व कम्पार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीग्रा व पांडेपुर वाराणसी। लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। यूपी में पहले डॉक्टरों को गुंडों और बदमाशों से भय रहता था, मगर अब योगी राज में हमें इससे निजात मिली है। ये कहना है वाराणसी पहुंचे भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी का। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के पहले चिकित्सक समाज भय के माहौल में जीता था। योगी राज में हम सभी को गुंडागर्दी से मुक्ति मिली है और यह बात सुखदायी है। अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में भी हम सभी भाजपा के साथ हैं। डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी ने बताया कि हम आने वाले दिनों में 1000 स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, जिसमें प्रत्येक जिले में 10 शिविर होंगे, जिसमें शहर के बेस्ट डॉक्टर्स निशुल्क परामर्श, जांच और दवाई देंगे। आने वाले चुनाव में किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे हमारे प्रदेश के संयोजक इसके बारे में बतलाएंगे। कानून व्यवस्था अगर सबसे ज्यादा संभाला है तो माननीय योगी जी की सरकार ने संभाला है। विकास सबसे ज्यादा हुआ है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में विकास हुआ है। चितईपुर थाना क्षेत्र के मलियान बस्ती में रविवार रात मछली की दुकान लगाने के विवाद में बाइक सवार दो बदमाशों ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को गोली मार दी। एक की बाह में और दूसरी महिला की पीठ में गोली लगी है। लहूलुहान हालत में दोनों महिलाओं को पुलिस ने BHU स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस महिलाओं के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी हमलावर को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है। वाराणसी के नक्खी घाट पुल से सोमवार की सुबह एक युवती ने वरुणा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय मल्लाहों और गोताखोरों की मदद से घंटों बाद युवती के शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान घटना स्थल पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। युवती की पहचान नक्खी घाट निवासी मन्ना लाल चौधरी की 18 वर्षीय बेटी नेहा के रूप में हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त न होने पर यूपी कॉलेज BSc एग्रीकल्चर के छात्रों का भविष्य अधर में है। इस बात से चिंतित और परेशान छात्रों ने सोमवार से कॉलेज में चल रही एग्रीकल्चर की क्लासेस बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों के अनुसार ICAR के नियम के अनुसार जो भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उससे मान्यता प्राप्त होगा वही ICAR की परीक्षाओं में बैठ सकता है। अब BSc AG और MSc AG का एंट्रेंस BHU में नहीं दे सकते हैं, उसका कारण है ICAR से एक्रेडिटेशन, ICAR से मान्यता प्राप्त। तो जब तक मान्यता प्राप्त नहीं मिलेगा हम लोग को, तब तक न पढ़ाई करेंगे, न परीक्षा देंगे, न काउंसलिंग होने देंगे और न ही अपने हक के लड़ाई के पीछे हटेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद मदरसों के बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना चाहती है। यह बातें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। डॉक्टर जावेद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का चेयरमैन बनाया है। देश के लोकप्रिय एवं जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। सपने को मैं पूरा करने के उद्देश्य से काम करना चाहता हूँ। मंत्री जी का सपना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब हम सबका प्रयास, ये करके मदरसे के सिस्टम को हम दुरुस्त करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन चला। इस दौरान चंदौली की सैयद राजा पुलिस ने सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वाराणसी में संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा रेल रोको आंदोलन का वाराणसी में कोई असर देखने को नहीं मिला। वाराणसी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में GRP
आरपीएफ और सिविल पुलिस के जवान हर स्टेशन और यहाँ तक कि रेलवे ब्रिज और नदियों के पुलों पर भी गश्त करते दिखे। इसका असर यह रहा कि आंदोलनकारी कहीं भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और जिले के सभी रेलवे स्टेशनों से ट्रेनें बेधड़क अपने गंतव्य के लिए चलती रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अक्टूबर को आयोजित जनसभा के लिए रिंग रोड ओवरब्रिज रखौना के किनारे मेहंदीगंज गांव में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खेत में जनसभा स्थल को आकार देने के लिए सामान पहुंचने लगा। ट्रकों से पंडाल बनाने व बैरिगेटिंग के सामान संग मजदूर जनसभा स्थल तक पहुंच गए हैं। हार्वेस्टर द्वारा खेत से धान की फसल को काटने के बाद हक्सावेटर, रोलर, डोजर व ग्रेटर मशीनें लगाकर 40 बीघा खेत को समतल बना दिया गया है। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए रिंग रोड किनारे खेत में 550 फीट चौड़ा व 850 फीट लंबा जर्मन हैंगर पंडाल बनाना शुरू हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित जनसभा स्थल को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक ओर अनाज की बाली फूट रही है तो वहीं दूसरी ओर फसलों को काट कर वहां राजनीतिक रैली की जा रही है, जो शर्मनाक नैतिक अपराध है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और यहां तकरीबन 2.5 घंटे के कार्यक्रम में पीएम रिंग रोड के समीप मेहंदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं से वाराणसी को तकरीबन 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी में सियासत शुरू हो गई है। और देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये पूरी तरीके से किसानों को कुचलने पर लगे हैं, कुचल किसानों को बर्बाद करने पर आमदा है। पूरी फसल खड़ी थी उसको रौंद कर वहाँ 25 तारीख को बड़ी बड़ी बात और अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं। किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से फेल सरकार है। इसका बायकॉट करिए, इस रैली में कोई न जाए। 25 अक्टूबर वाराणसी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा स्थल को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय के आरोपों के बाद जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने खंडन किया है। जिलाधिकारी के अनुसार पीएम मोदी की जनसभा के मद्देनजर मेहंदीगंज में सभा स्थल पर काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में वहां 8.745 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जिस पर फसल लहला रही थी उसे भी अधिग्रहित किया गया है। इस फसल का मुआवजा और किसानों को उनकी पकी हुई फसल काट कर दे दी गई है। जिलाधिकारी के अनुसार प्रति किसान 1,940 रुपए एमएसपी और उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ट्वीट के माध्यम से किसानों की जमीन और फसलों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर हम विधिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। सारी सहमति के बाद ही सारी कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस रिंग रोड का उद्घाटन हो रहा है वो 430 करोड़ रुपए के मूल्य से बनी है, लेकिन भूमि का मुआवजा जो इस पे दिया गया है वो लगभग 570 करोड़ रुपए पे किया गया है, वो भी किसानों को ही पे किया गया है। किसानों को जितना मुआवजा इस रिंग रोड की वजह से मिला है उससे कम ही उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इन्हीं किसानों की ही सर्कल रेट आगे बढ़ेगी, इनकी लैंड का एप्रिसिएशन होगा, इनको फायदा होगा और जो भी आसपास के किसान हैं उनके लिए ये रिंग रोड एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो पूरी सहमति के साथ ये जमीन ली गई है। जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं कि किसानों की फसल जबरदस्ती नष्ट की गई है वो पूरी तरह अफवाह है और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। ये पुनः स्पष्ट कर देना हम चाहते हैं कि लगभग 8 लाख फसल का मूल्य बना था, वो सारा मूल्य चेक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। अधिकतर किसानों ने पेमेंट ले ली है, बाकियों को 1-2 घंटे में मिल जाएगा और पूरा एमएसपी और पूरी प्रोडक्टिविटी के आधार पर इनको मूल्य दिया गया है। बाकायदा सारा कार्य सहमति से हो रहा है, वहाँ मौके पर किसी की भी असहमति नहीं है और सारे लोग इस रिंग रोड का जो लाभ है वो उठाने के लिए तैयार हैं। 25 अक्टूबर को जो इसका शुभारंभ होगा तो आसपास के सभी लोग उसमें आमंत्रित किए गए हैं, वो सभी स्पेशल गेस्ट की तरह इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।